हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, बता दें सबसे पहले आप लोग का कि बीसीसी की काउंसलिंग की अगर बात करें 2022 का, जी हाँ बाबू, बीसीसी का काउंसलिंग तो सभी बच्चे करवा ही रहे हैं, लेकिन सुन लो, इंजीनियरिंग के लिए जो आप लोग को है, जैसे आप अगर कोई भी स्टूडेंट जो है, किसी को ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि सर हम पीसीएमबी ग्रुप से, ठीक है, बहुत लोगों का ये चीज कंफ्यूजन है कि पीसीएमबी ग्रुप से फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, बायोलॉजी भी। जिनका तो पीसीएम है, जिनका पीसीएम है, उनके लिए चिंता नहीं है, उनको तो टेंशन मुक्त है कि चलो इंजीनियरिंग कर लेना है। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों का कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि सर मेरा जो है फिजिक्स केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, लेकिन मैथ जो है हमारा एक्स्ट्रा विषय है। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आया है कि सर मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, लेकिन मैथ जो है मेरा एक्स्ट्रा विषय है और हम जो है इंजीनियरिंग का कोर्स करना नहीं चाहते, ठीक है, हम जो है इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं करना चाहते हैं सर, हम मेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं। तो क्या, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन बढ़िया समझिएगा, उस बच्चे का नाम था कि मेडिकल का हम कोर्स जो है करना चाहते हैं और इंजीनियरिंग का नहीं करना चाहते हैं, तो क्या सर हमारा फिर से मेडिकल वाला जब काउंसलिंग होगा, बायोलॉजी वाला, पीसीबी वाला, तो क्या हम उसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो हम बता दे बाबू कि आपका मैथ है, आप चाहे तो इंजीनियरिंग का भी काउंसलिंग करवा सकते हैं और मेडिकल में भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप दोनों में करवा सकते हैं, ये आपके लिए आजाद है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो, अगर इंजीनियरिंग नहीं करना तो फिर बाद में मेडिकल। अभी पीसीबी वालों का नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी ओनली होगा किसका, पीसीएम और पीसीएमबी वाले को। तो पीसीएमबी वालों के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करना चाहता है, वो काउंसलिंग कराओ। अब इसमें बात आती है कि सर इंजीनियरिंग के लिए जो है, पहले इसको मिटा देते हैं, बात कर लेते हैं अब पीसीबी और पीसीएमबी और पीसीएम का, ठीक है। तो देखो पीसीएम वाले जितने भी स्टूडेंट है, पीसीएमबी वाले यानी मैथ और बायोलॉजी जिनका भी है, तो वो अगर चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में हम काउंसलिंग कराएं तो आप करा सकते हैं, अगर चाहते हैं मेडिकल में काउंसलिंग तभी धैर्य रखो, ठीक है। जो मेन बायोलॉजी जो है, जिनका सब्जेक्ट है मेन बायोलॉजी, वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जो है, सुन लो, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है, वो बायोलॉजी वाले जिनको मेडिकल क्षेत्र में जाना है, तो उनके लिए अभी काउंसलिंग नहीं है, ठीक है, अभी नहीं है बायोलॉजी वालों के। लेकिन जो है आपका बायोलॉजी है और एक्स्ट्रा मैथ ले रखा है, वो इंजीनियरिंग करना चाहता है, तो इंजीनियरिंग का काउंसलिंग कराइएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए देखो जो कैसे काउंसलिंग करवाना है। तो काउंसलिंग में सबसे पहले अपना जिला देना है, अपना जिला कहने का मतलब हो गया कि आपके अपने जिले में जो कॉलेज है इंजीनियरिंग का, किसका, इंजीनियरिंग का जो कॉलेज है, उस इंजीनियरिंग कॉलेज के अपने जिला का पहले नाम देना है, उसके बाद आसपास जिला का नाम देना, ठीक है, उसके बाद फिर इसके आसपास जिला का नाम, चारों तरफ अपने आसपास की जिला देख लीजिए, उस जिला में नाम देना है, फिर उसके आसपास की जिला, ज्यादा दूर देने से कोई फायदा है नहीं, लंदन दे देगा तो लंदन जाएगा, अरे कहने का मतलब हो गया, ठीक है ना। तो आप पहले अपने जिला से शुरुआत करें, बगल वाले जिला इंजीनियरिंग कॉलेज का। अब कैसे देना, कौन कौन से कॉलेज है, तो हम सारा चीज जो है बता देते, कॉलेज लिस्ट देख लीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं। देखो अगर बात करें बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज की, तो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, बिहार में जितने भी जिले, 38 जिले, सभी जिलों में एक वह इंजीनियरिंग कॉलेज दिया गया है, ठीक है। तो आप लिस्ट देख लो, बढ़िया समझ लो, उसके बाद काउंसलिंग में सीरियल ढंग से, जैसे हमने बताया उसी तरह से सीरियल ढंग से आप जो है कॉलेज का नाम देना, जो अपना एरिया, जो जिला आपका अपना रहेगा, उस जिला का पहले कॉलेज का नाम डालिएगा, ठीक है। तो आ जाइए इधर, हम बात कर लेते हैं आपका बीसीई भागलपुर, पहला जो कॉलेज है बीसी भागलपुर है, फिर उसके बाद है एमआईटी मुजफ्फरपुर, फिर उसके बाद है एमआईटी मुजफ्फरपुर, फिर है जीईसी गया, गवर्नमेंट कॉलेज जो है गया में बात करें, और एमसीई मोतिहारी, फिर आपका है डीसी दरभंगा, यानी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा, एनसीई चंडी, एनसीई चंडी, एल एन जे पी टी आई बख्तियारपुर, ये सब कॉलेज है, ठीक है, एस आई टी सीतामढ़ी, सब कॉलेज का नाम दिया है, आर आई डी सी ई बेगूसराय, जितना भी कॉलेज ये है ना, ये बीसीसी बोर्ड ने अपना लिस्ट जारी किया था, उस लिस्ट में सारे कॉलेज थे, ठीक है। एस सी ई सासाराम
बीपीएमसी मधेपुरा और केसी कटिहार। बाकी जो अदर बस जाते हैं वो सब आपका गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से बंका में है, फिर आपका वैशाली में है, जमुई में है, नवादा में है, किशनगंज में, अररिया में है, ठीक है, मुंगेर में है, और कैमूर में, सिवान में, जहानाबाद में, लखीसराय में और समस्तीपुर में। अब इसके अलावा जो है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आपका जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है पूर्णिया में भी है, सेवर में भी है, गोपालगंज में भी, तो सारे जो है ना आप जब काउंसलिंग कराएंगे ना तो इसी तरह से अपना जो जिला होगा उस जिला को पहले नाम रखेंगे, उसके बाद आसपास के जिला का नाम, कॉलेज का, इंजीनियरिंग का नाम रखेंगे, और उसके बाद फिर इसी तरह से सीरियल ढंग में आप जो है कॉलेज का नाम दे देंगे, ठीक है, अपने आसपास को देते जाइए। जैसे आप है, जैसे मैं हूँ जहानाबाद, तो जहानाबाद, फिर गया डालूंगा, पटना डालूंगा, फिर छपरा इधर, फिर डालूंगा सिवान, ये जो है ना सहरसा, सासाराम, ये सब जो है ना ये नजदीक, ये सब अगल बगल के क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।